चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। तो कोविड-19 में स्कूल में क्या क्या समस्याओं का सामना? कोविड-19 तो समस्याओं से घिरा हुआ ही विद्यालय है, विद्यालय नहीं समाज घिरा हुआ है। विद्यालय तो समस्याओं से भरपूर रहा, अभी तक भरपूर है। सबसे पहले तो बात यह है कि विद्यालय ही नहीं, बच्चे प्रभावित हुए शिक्षा से, उनका भविष्य जो है ना चौपट हो गया। उसकी पूर्ति करने के लिए हमने प्रयास भी किया, ऑनलाइन कक्षाएँ चलाई, लेकिन हमारा क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण बच्चे ऑनलाइन शिक्षा ले नहीं पाए, जिसके कारण सरकार ने भी ऑनलाइन शिक्षा चलाने का प्रयास किया, लेकिन वह भी प्रभावित नहीं हुए क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है। उसके अतिरिक्त बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हुई, जैसे अध्यापकों के सामने शिक्षण शुल्क न आने के कारण अध्यापकों को वेतन नहीं मिल सका। हमें मिलती थी सहायता के लिए सरकार में, उन्होंने हमें कुछ दिया था, लेकिन इन्होंने तो देने की बजाय उसे भी छीन लिया था। और जितना भी हमें आश्वासन मिल रहा था ना कि कोविड-19 में हमें कुछ पैकेज मिलेगा जिससे हमारे शिक्षक अपनी दिनचर्या, अपने परिवार की दिनचर्या चला सके, ऐसा कुछ नहीं हुआ और नई संभावना है कि भविष्य में ऐसा होगा। कोविड-19 के चलते हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। पिछले 6 महीने से विद्यालय बंद है, उन सब के देखते हुए बहुत सारी परेशानियां, घर परिवार चलाने में भी बहुत दिक्कत है, क्योंकि विद्यालय में बच्चे नहीं आ रहे हैं, तो बच्चे नहीं आए तो मैनेजमेंट तनख्वाह नहीं दे पा रही है, तो हम लोग बहुत परेशान हैं। अभी 1 महीने से विद्यालय खुला है तो अभी आ रहे हैं। लॉकडाउन में विद्यालय बंद होने के कारण हम लोग घर में ही दो दो चार चार बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहे थे, अपने आजीविका चलाई, बाकी स्कूल में मतलब हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासें भी चलाई, ऑनलाइन अब बच्चों को काम भेजते थे। आप क्या करते हो? मैं पहले पढ़ाई करता था और अब डॉक्टर की दुकान पर काम कर रहा हूँ। तो डॉक्टर की दुकान पर आपका लगने का मेन कारण क्या था? लॉकडाउन में कुछ तो कर नहीं पाए, पढ़ाई से विचलित हो गए, पढ़ाई में पीछे चले गए, पढ़ाई में पीछे जाते समय और पढ़ाई में जब पीछे हो गए तो अब घर रह गए। घर रहने के बाद जब हम बिल्कुल ठल्ली हो गए, मतलब बिल्कुल ही घर पे काम, बस घर पे मन नहीं लगता और घास पकड़ने लगा जब लेटे लेटे रहते थे, तो लॉकडाउन में क्या करते, तो उसी के बीच हमने भी कुछ सोचा था कि हमें भी कुछ फ़ायदा हो सके और हम भी कुछ आगे बढ़ सके। जैसा कि ऑनलाइन क्लासेस, स्कूल वालों ने ऑनलाइन क्लासेस कराई, क्या आपने कोई ऑनलाइन क्लास अटेंड की? वो तो शायद उन्होंने अभी कहा था शायद ऑनलाइन क्लासेस के लिए, और ऑनलाइन क्लासेस में भी ये है कि उसमें जो है कि 10,000 रुपये का फ़ोन, हर एक बच्चे को 10,000 रुपये का फ़ोन चाहिए, जो कि हमारे पास इतने फीस तलक के पैसे भी नहीं होते, मतलब कि अब 10,000 रुपये का मोबाइल कहाँ से लेके आए। लॉकडाउन के चलते आपने क्या किया? मम्मी थी, मम्मी ये जो खाना वाना बनाती है, पोछा वोछा करती है, उनके काम में हाथ बटाया। तो क्या आपने ऑनलाइन क्लास अटेंड की? नहीं, घर पे फोन नहीं था ना, हमारा इतना जुगाड़ था कि हम फोन ले ले, पैसों की वजह तो पढ़ाई भी छुट्टी है। तो आपने कोई भी क्लास ऑनलाइन अटेंड नहीं की? नहीं, बस मम्मी के साथ काम किया, खुद ही एक
जो एक डेढ़ घंटा पढ़ाई करी खुद ही करी घर पे ही।